दोस्तों लाइव तस्वीरें में आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, देखिए राकेश टिकैत जी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं। राकेश टिकैत जी से जो धरने पर बैठे हैं उनसे बात करेंगे किस प्रकार से, तो आज उन्होंने यहाँ आश्वासन देने का काम किया है और क्या कुछ वो सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। राकेश टिकैत जी यहाँ मौके पर मौजूद है, आपकी उनसे बात कराते हैं। ये फसल ले आने दो अपने घर में अप्रैल के लास्ट में, इसमें शुरू होगा कुछ न कुछ रास्ता तो बनेगा, और रास्ता हमें चाहिए तो ये सामने वाला लेना और या उसके बराबर में बनाना, इसमें ट्रैक्टर चलाने पड़ेंगे। नहीं ट्रैक्टर तो ठीक है राकेश जी, यहाँ पे लोग बहुत आते हैं, बात करते हैं सीएम साहब से, यहाँ के विधायक साहब का फोन नहीं उठता, हालात ये हैं। अरे विधायक करके अगर हाथ में कुछ होता है सरकार में तो वे बनवा देते, यहाँ पे हाथ में नहीं किसी के, यहाँ सरकारों के हाथ में जो ऊपर लोग बैठे उनके हाथ में है, और या फिर जो किसान गांव में रहता है उसके हाथ में है। नहीं वो तो ठीक है, अब विधायक से ऊपर की बात कर ले, सांसद के पास चले जो भी आए हैं उसके बावजूद भी कुछ क्या करोगे, अपने ट्रैक्टर जिस दिन ये ट्रैक्टर लेके और तैयार हो जाएंगे और वहाँ के सड़क के साथ साथ के पेड़ का कटिंग होगा उसमें को झरने चलाने पड़ेंगे, वहाँ को रास्ता अपने आप शुरू करना पड़ेगा। ये राकेश जी उस पर मुकदमे लगेंगे, उसके लिए लोगों को तैयार रहना चाहिए। अब वही कह रहा हूँ कि एफआईआर हो जाएगी, फिर पकड़ के जेल में डाल देंगे, वो जान दो और ले जान दो जेल। तो अब आप आए हैं यहाँ पे 51वां दिन, उससे पहले बहुत लोग आए हैं, लेकिन अब कुछ फर्क पड़ेगा, सरकार कुछ सुन पाएगी? देखो हमने कहा सरकार को जहाँ पे एक समझौता इनके साथ में हो रहा है, इनकी भी भावनाओं को और इनके जो दिक्कत है उसको समझना चाहिए सरकार को, नहीं तो भाई सारे काम होते हैं। हमने बहुत जगह बिजली घर बनवाए, बड़ा बिजली घर गांव में बनना था, उन्होंने कहा जी तो पास होगा जी लखनऊ से, भाई लखनऊ से पास करवा के लिए जो 6 घंटे में सामान मिल गया, एक दिन में जमीन खरीद ली, एक दिन में भराव कर दिया और 27 दिन में बिजली घर को बना के चालू करके दे दिया। 18 दिन में लेंटर खुलता है, 27 दिन में 9 लाख रुपए लगा के उसमें शर्मदान कर सरकार को दे दिया। ऐसे ही पानी की टंकी, उनका सामान लिए भी सब सामान, तो हम तो अपने आप कर ले, सड़क भी इलीगल रूप से या रहेगी इलीगल सड़क बनेगी और भाई NOC आती रहेंगी, इसमें 2 साल में इसकी NOC मिलेगी लेकिन सड़क पहले बनेगी। सरकारें कहती है कि हम विकास करने की तरफ दौड़ रहे हैं, तलवंडी विकास नहीं करने दे रहा है। आ जाएगा तो हम यहाँ कह रहे सड़क बन दो, ये ट्रैक्टर चलन दो इनके, एक बार एक आध आंदोलन तो यहाँ भी कर लेना। अच्छा, आप पूरे देश में घूमते हो, आपको कहीं पे विकास मिला है क्या? यहाँ वाले लोग तो ढूंढ रहे हैं विकास, कहीं नहीं। जमीनें किसानों की महंगी हो रही, जमीनें व्यापारी उद्योगपति जमीन खरीद रहा, अपनी किसान जमीन बचा रहे, जमीन बेचने के ज्यादा चक्कर बना रहे हैं, ठीक है। आने वाले टाइम पे जमीन ही काम आएगी, विकास के नाम पे जमीन ने छीनने जा रही है। वो किसान सुखी रहेगा जो अपनी जमीन बचा ले जाएगा, कोठी में रह के विकास नहीं होता कि जमीन बेच कर हमने बड़ी कोठी बना ली उसमें हम रह लिए, उससे नहीं, अपनी जमीन बचा लोगे तो आने वाले टाइम पे वो काम। किसान का सुखी होना तो दूर की बात है राकेश जी, आपकी भी एक ऑडियो क्लिप जो है वो वायरल हुई थी, किसान बड़ा रो रो के बात कर रहा था खेत में ओले पड़े, हरियाणा के अंदर काफी लोगों के साथ में ऐसा हुआ है। जमीन में उसने ठेके पे खेती करी, सरसों की भी उसके फसल थी, गेहूं की भी थी, उसके पास में कल हम गए थे, उसको नुकसान है, ब्याज पर लेके उसने ठेकेदार के पैसे दे दिए किसान के, और अब फसल उसकी बर्बाद होगी तो आत्महत्या ही करेगा। लेकिन उस तरफ लोगों को नहीं जाना चाहिए, संघर्ष करें, उसके लिए पूरा किसान संगठन किसान मोर्चा तैयार है। अभी ना धरने पे एक बात हुई थी, बोला जी ये गांव है ना, इस गांव का लगा दिया ताला, लेकिन वो ताले की चाबी जो थी वो JJP के पास में थी, लेकिन क्या अब राकेश टिकैत जी उस चाबी से ये खोल पाएंगे क्या? देखो अगर इसमें विपक्ष आएगा, सरकार से अलग कोई आदमी इसमें आएगा, वो नेतागिरी चमकाएगा तो ये कभी नहीं बढ़नेगे। इसमें विपक्ष वालों को दूर रहना चाहिए, इसमें सीधी लड़ाई किसान लड़े गांव के आदमी, संयुक्त मोर्चा उनके साथ में रहेगा, इनका काम हो जाएगा। कोई मैसेज देना चाहते हैं तो सरकार डिलीवर कर सकते हैं। सरकार को यह है कि अपना खुलवा दे तो शांति से खुलवा दे, आप प्यार से खुलवा दे, और नई किसान रास्ता तो भरेगा ही, किसान जाएगा इसी रास्ते से।